हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज काजल शर्मा। आज हम बनाने वाले हैं बीट रूट राइस। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमने एक बड़ा प्याज काट लिया है, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद हमने एक टमाटर, बड़ा टमाटर कद्दूकस करके ले लिया है, आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक बीट रूट ले लिया है, उसको छोटे स्मॉल पीसेस में काट लिया है। देन हमारे पास है देसी घी जिसमें हम ये बनाएंगे। मैंने 100 ग्राम चावल लिए हैं, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने कुकर ले लिया है, अब इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। जब हमारा देसी घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम क्या सबसे पहले डालेंगे, जीरा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हमने थोड़ा सा जीरा डाला है। फिर ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन होते हम इसमें आधी चम्मच हींग डालेंगे। देखिए ये लाइट ब्राउन हो गया, इसके बाद हम इसमें अपने अनियंस डालेंगे जो हमने बारीक बारीक अनियंस काटे हैं। अब हम इसको जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्की ब्राउन नहीं हो जाती, मतलब पिंकिश कलर जैसा होता है ना, हल्का रहता। देखिए फ्रेंड्स, जब ये हल्की सी ब्राउन हो गई है तो अब इसमें हम डालेंगे अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए इसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। आप डरे नहीं, जिंजर गार्लिक पेस्ट में हल्का सा वाटर होता है, तो इसलिए ये आप इसको थोड़ा दूर से पकाएं। ये थोड़ा जब पक जाए तो इसमें आप जो मैंने टमाटर कद्दूकस करके डाला हुआ है एक कटोरी में, वो अब आप फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, लो फ्लेम पे इसको हल्का सा पकाएं, क्योंकि हमारे जो स्पाइसेस होते हैं उनका जलने का डर रहता है, इसलिए हम लो फ्लेम पे अपने स्पाइसेस को हल्का सा फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, उसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर। हम हल्दी बिल्कुल कम डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये बीट रूट राइस है तो उसमें उसका कलर नहीं आएगा। आधी चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि हमारे स्पाइसेस अच्छे से फ्राई हो जाएं। बिल्कुल लो फ्लेम पे करिएगा वरना इनका जलने का डर रहता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला जो है बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है, क्योंकि इसमें इसने सारा तेल छोड़ दिया, जो भी हमने ऑयल डाला था वो बिल्कुल छोड़ दिया। अब हम इसमें अपने राइस डालेंगे, ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे। ये 100 ग्राम राइस है, आप चाहे तो अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ज्यादा भी ले सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें अब अपने बीट रूट भी डाल देंगे, इसको अच्छे से चलाएंगे। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, मेरे पास थोड़ी सी पीज रखती है तो मैं इसमें वो भी ऐड करूंगी। देखिए गाइस, इसको थोड़ी सी मैंने मटर ऐड कर दी है, टेस्ट अच्छा आता है। आप इसमें और भी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। अब इसको ऐसे ही एक दो बार चला लीजिए ताकि हमारा मसाला सारी जगह मिक्स हो जाए। हम आप अपनी फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दीजिए। अब इसमें हम
पानी डालेंगे। इसमें हम इतना 2 गिलास पानी डालेंगे ताकि हमारे राइस अच्छे से इसमें फिल हो जाए। देखिए हमारे जो चावल हैं वो इसमें अच्छे से हो गए हैं। फिर भी मैं इसमें 1/2 गिलास पानी एक्स्ट्रा डाल देती हूँ ताकि ये लगे नहीं। बस देखिए फ्रेंड्स, चावल अब बन चुके हैं अच्छी तरह से और देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। हम इसको अच्छे से चलाएंगे। ये हमारे बीचू चुकंदर के चावल, देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसमें। अब हम इसको सर्व करेंगे।